आइए आज हम एल्युमिनियम वायर से देखते हैं कि मोटर किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है। तो चलिए इसका जानकारी लेते हैं। जय हिंद। आइए आज हम सीखेंगे। आप जो ये देख रहे हैं ये किर्लोस्कर कंपनी का मोटर है जो कि 1 HP मोटर है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है और 12.50 MFD कंडेंसर के साथ ये चलने वाला है। और यहाँ देख रहे हैं 1.02 HP 750 W किर्लोस्कर कंपनी का ये मोटर है। 25×25 आप इसका ये लोगो देख लीजिए और आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। इस पर 2 पोल का मोटर है, ये 2 पोल में बना हुआ है और 220 V पे ये वर्क करेगा AC पे। और ये 50 MHz बिजली पे चलेगा। इसमें जो हम पेपर लगाएंगे वह 7 नंबर का PVC लगाएंगे क्योंकि इस पर इंसुलेशन क्लास B लिखा हुआ है। अब चलिए इसका थ्रेड की बात कर लेते हैं लंबाई का। तो आप जो ये देख रहे हैं यह आपका 2.5 इंच का है, यानी कि स्केल से अगर आप इसका मापी उठाइएगा तो ये 2.5 इंच में है। और इसका जो है सो बाहरी सिरा को आप अगर ऐसे करके मेजरमेंट कीजिएगा तो यह आपका 4 इंच से कुछ ज़्यादा है। और दोस्तों इसमें 2 पोल में ही मोटर ये रिवाइंड किया गया है, मतलब एक सेट 2 सेट आपका रनिंग का, 2 सेट आपका स्टार्टिंग का लगेगा। इसकी कुल स्लॉट की बात कर ले तो यह 24 स्लॉट की मोटर है। इसमें 24 खांचे आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमने इसको आज कॉपर से नहीं एल्युमिनियम से रिवाइंड किए हैं और एल्युमिनियम से हमने कई मोटर इस तरह का रिवाइंड किए थे लेकिन आप लोगों के सामने इसका हम एल्युमिनियम का डाटा नहीं दे पाए थे। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों इसमें आपको हम A to Z इसका कंप्लीट डाटा देंगे। तो आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए और वीडियो में बने रहें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन की जानकारी लेने के लिए। नोटिफिकेशन जैसे आपके पास पहुंचेगा तो आप वीडियो को देखिए और जो भी वीडियो हम डालते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए अब मैं इनकी डाटा की बात कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ खुद अपने शॉप पे बनाता हूँ और मैं अपने प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो चलिए अब मैं इसका डाटा की बात करता हूँ। इसमें जो दोस्तों आपको हमने रनिंग में एल्युमिनियम वायर गेज यूज किए हैं वह दोस्तों हमने 25 नंबर एल्युमिनियम वायर यूज किए हैं और 4 का सेट बनाए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों हमने सभी में रनिंग में सभी कॉइल में हमने इसमें 80-80 टर्न दिए हुए हैं 25 नंबर एल्युमिनियम वायर से। तो 25 नंबर से आप रनिंग में 80-80 टर्न दीजिए। अगर आप ज़्यादा दीजिएगा तो इसका सलाड छोटा होने के कारण, इसका ये खांचे छोटा होने के कारण आपका तार अंदर जा नहीं पाएगा, इसलिए आप 80 टर्न ही इसमें 25 नंबर से रखें। तो चलिए दोस्तों रनिंग का आपको डाटा हो गया। 25 नंबर एल्युमिनियम वायर गेज से 80-80 टर्न देना है। और दोस्तों आप अब दोस्तों आइए अब आपको हम स्टार्टिंग का डाटा बतला रहे हैं। स्टार्टिंग 27 नंबर एल्युमिनियम वायर से आपको 130 टर्न देना है। अगर आप 140 लगाते हैं तो इसके अंदर की स्लॉट में गैप कम रहता है तो उसमें आपका परफेक्ट रूप से नहीं बैठेगा। तो इसलिए दोस्तों आप स्टार्टिंग में आपको 27 नंबर एल्युमिनियम से 130 टर्न देना है। और सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद बीच में आपको ग्रीन पेपर 7 नंबर का सीट लगाना है और स्टार्टिंग और रनिंग को दोनों को अच्छी तरह से हटा करके फिर धागे से आपको बांध करके इसके जड़ में थोड़ा थोड़ा वार्निश डाल दे ताकि ये पैकिंग इधर उधर ना जाए।
और दोस्तों जब इतना करने के बाद आप इसका लूप निकालते हैं, तो दोस्तों लूप आप जब भी निकालें तो अल्मुनियम वायर से ही इसका लूप निकालें तो आपका मोटर बेहतरीन चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी मोटर का आपको अल्मुनियम कॉयल से वाइंडिंग डाटा चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जय हिंद दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन अमित अमन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।